जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के इंतजार 69 शिक्षक भर्ती के बाद से लगातार कर रहे हैं। मानिए 2019 के बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, क्योंकि टेट सीटेट पास लाखों हजारों अभ्यर्थी आ गए हैं। एक बार फिर से लोग सीटेट और यूपीटेट पास हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया। ये ट्वीट बहुत कुछ दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जाए और यथाशीघ्र रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। तमाम अलग अलग विभागों में जिस तरह से रिक्त पदों की अधियाचन चल रहा है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विशिक्षा विभाग माध्यमिक में भी पदों को लेकर लगातार कयास बने हुए। नया जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो भी अपनी काम तेजी से करने वाला है, इसलिए आप सभी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती की परीक्षाओं की तिथि के साथ नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती का भी ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होनी थी उसका भी यथाशीघ्र आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो जो बीएड के अभ्यर्थी उनके लिए टीजीटी पीजीटी जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, नई टीजीटी पीजीटी साथ ही एलटी ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन जो डीएलएड बीटीसी के अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश में, उनको सरकारी शिक्षक बनने के लिए विशिक्षा विभाग में भी पदों को अधियाचन शुरू है। रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अब आपके मन में ढेरों सवाल आएंगे कि कई बार कहा जा रहा है सदन में कि रिक्त पदों की संख्या नहीं है या पद नहीं है, लेकिन अब शिक्षा मित्रों को मिलाकर कहा जाता है कि पद हमारे यहाँ अनुपात समान पद बराबर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुशंसा है कि उनकी ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक में स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त भर्ती होनी चाहिए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों में जिलेवार कहीं ना कहीं सुबगडाहट शुरू हो गई है। तो सबसे पहले एक सवाल आ रहा है कि क्या यूपीटेट के साथ सुपरटेट होगा या पहले सुपरटेट हो जाएगा या पहले यूपीटेट हो जाएगा, एक बड़ा सवाल है। हो सकता है आपके भी मन में हो, लेकिन उस जवाब की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं जो गेस्ट के रूप में निशुल्क आपके लिए देशित में राष्ट्रित में क्लासेस लेकर आया हूं और आगे भी लेकर आता रहूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं आप भी देशित में राष्ट्रित में कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। आज है कि सवाल है यूपीटेट के साथ सुपरटेट के आसार। जी हाँ, यूपीटेट के साथ सुपरटेट के आसार लग रहे हैं और यथाशीघ्र आपको जमीन पर देखने को भी मिल सकते हैं। क्या होगा सिलेबस में, क्या कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? अभी तक फिलहाल प्रथम दृष्टया यह है कि सिलेबस पैटर्न में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, परीक्षाओं की कठिनाई स्तर बढ़ाई जाएगी और एनसीईआरटी को जिस तरह से फोकस था उस तरह से एनसीईआरटी का बोलबाला रहेगा। अगर आपके पास अभी समय है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जितने भी टॉपिक आपके पास है उसके बाद रिविजन करने के लिए एससीईआरटी और सीईआरटी को दोनों साथ पढ़िएगा। और अगर आपको लगता है एनसीईआरटी के नोट्स के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर कॉल या व्हाट्सएप कर एनसीईआरटी के सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। वैसे आप एनसीईआरटी किताबें भी फिलहाल के लिए पढ़ सकते हैं जो जो आपके इसमें टॉपिक है। सिलेबस में बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिले, कुछ टॉपिक आपके जुड़ेंगे हटेंगे नहीं, कुछ नए टॉपिक भी आपके जोड़ सकते हैं, उनकी भी हम आगे वीडियो में व्याख्या करेंगे। क्या 2024 के चुनाव तक या पहले भर्ती हो सकता है? जी हाँ, 2024 का जो आगामी चुनाव है उस चुनाव तक उत्तर प्रदेश में एक भर्ती विशिक्षा विभाग में देखने को मिल सकती है। अन्य लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एसए के माध्यम से अलग अलग विभागों में कई पदों का अधियाचन हो रहा, पद आ भी रहे हैं। लेकिन इस समय जो टेट सीटेट पास अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि काश उत्तर प्रदेश की विशिक्षा विभाग में भी पदों पर भर्ती है। एक सवाल आ रहा है कि सर कितने पदों पर भर्ती हो सकती है? तो जो पदों की संख्या में बार बार मुझे जो अंदेशा लग रही कम पदों पर हो सकती है और इस बार कंपटीशन भी कम होगा, तो जो लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बढ़िया हो सकता है। अब एक सवाल है, क्या यूपीटेट के साथ सुपरटेट को कराना संभव है? तो आप देख सकते हैं 68,500 रहा हो चाहे 69,000 रहा हो, इन दोनों का जो जन्म हुआ है यूपीटेट के साथ ही सुपरटेट का जन्म हुआ है। तो यूं कह सकते हैं कि आने वाले भर्ती में भी संभावना लगा सकते हैं कि यूपीटेट के साथ साथ सुपरटेट देने को मौका मिल सकता है। जो अभ्यर्थी अभी तक यूपीटेट या सीटेट नहीं पास है वो यूपीटेट के साथ सुपरटेट की भी तैयारी करते रहे और सुपरटेट के साथ यूपीटेट की भी तैयारी करते रहे, खासकर डीएलएड बीटीसी का अभ्यर्थी, क्योंकि उनके लिए जो सबसे बड़ा रामबाण है ना वो अब उनकी केवल बीटीसी और डीएलएड प्राइमरी में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। तो आपके लिए अपनों से ही लड़ाई हो गई है, अपनों से ही आप शिक्षक भर्ती में अगर आप 112 से 115% सही कर लेते हैं यकीन मानिए आप सेफ जोन में है, आप सरकारी शिक्षक बनना पूरी तरह से तय है। माने 110% अगर आप कर ले जा रहे हैं, एक औसत अगर पेपर के स्टैंडर्ड और बढ़ा तो आप कम सरल प्रश्नों पर भी आप सिलेक्शन पा जाएंगे।
आपको मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रश्नों की कठिनाई स्तर लगातार बढ़ रही है, इसलिए इस बात को भी अपने ध्यान में अपने जेहन में बना कर रखना होगा। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा, ये निःशुल्क क्लासेस मेरे द्वारा आप सभी के लिए आती रहती है। और आपके लिए मैं यूपीटेट सुपरटेट की कंबाइंड मैथ की क्लास शुरू करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप इलानी में दुर्गेश का एक नंबर, उस पर अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, ताकि जो निःशुल्क क्लास है व्हाट्सएप के माध्यम से मिलता है, उसमें आपका फीडबैक भी मिलता रहे। जी हाँ, उसका नंबर अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा 94-51-062-078, इस नंबर अपना नाम जिले का नाम लिखकर भेज देंगे। तो यहाँ पर सुपरटेट यूपीटेट के साथ एक मैथ की सेशन भी शुरू होने जा रही है, उस सेशन में भी आप जुड़ सकते हैं, उस सेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ उस नंबर को फिर से लिख दे रहा हूँ, 94-51-062-078, ये इलानी विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर है, वहां से जहां से संचालित हो रही, तो ये 94 है, तक कुछ आपके यहाँ से मदद मिल सके, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल हो सकते, वरना हम इस सेशन में और आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने एकदम पूरी तरह समझ लिया, स्पष्ट समझ लिया कि यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट का भाग उदय हो सकता है, नया शिक्षा सेवा चैनल इस पर भी काम कर सकता है। अगर आप बीटीसी हैं तो आपके लिए बढ़िया और एक बेहतरीन मौका है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके लिए इन सभी तथ्यों पर क्रमवार रूप से, तो कुछ और चीजें हमारे सामने और आपके जहन में एकदम खुलकर आती है कि सुपर टेट की अगर हम बात करें, क्या 2024 में, अगर हम यहाँ पे अपने मन में जहन में लगाएं कि क्या 2024 में ये संभव है, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। अगर सिलेबस की बात करें, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, अगर पहली बात करें, इसमें जो पहला परिवर्तन हो सकता है वो नकारात्मक अंक को लेकर होता है। क्या लिख सकते हैं हम, नकारात्मक अंक, परिवर्तन की बात करें नकारात्मक अंक। यहाँ पर देखिए, अब जो अंदेशा लगाई जा रही नई शिक्षक भर्ती में, अब यहाँ पे नकारात्मक अंक हो सकते हैं, क्योंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन जो भी भर्ती कराएगी, अभी तक टीजीटी पीजीटी में भी आपने देखा था कि नकारात्मक अंक नहीं थे, लेकिन अब आपको इसमें भी नकारात्मक अंक देखने को मिल सकते हैं। एलटी ग्रेड में नकारात्मक अंक थे, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में नहीं थे, तो जो नया शिक्षा सेवा चयन भर्ती कराएगी उसमें नकारात्मक अंक का प्रावधान कर सकते हैं, बेशक 1/4 के, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है कि वो 1/3 की, 1/3 की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन संभावना ये है 1/4 रहेगी, लेकिन 1/3 की पूरी पूरी उम्मीद है कि 1/3 ही इसमें होगा। दूसरे इसमें एक अंदेशा लगाया जा रहा है पाठ्यक्रम को लेकर, जो पाठ्यक्रम है, जो ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि कुछ चीजें इसमें एड ऑन होंगी, मैंने कुछ चीजें इसमें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब एक प्रश्न आ रहा है, अकेडमिक मेरिट जुड़ेगी, अगर मेरिट की बात की जाए कि मेरिट कैसे बनेगी, यहाँ पे मेरिट की बात की जाए, मेरिट कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, तो जो मेरिट बनने की प्रक्रिया थी, जो अभी तक आपने देखा, मेरिट बनने की प्रक्रिया क्या थी, 40, मतलब यहाँ पे 60:40, तो जो सुपरटेट था उसका 40 और जो आपकी अकेडमिक थी उसकी 40%, अभी तक फिलहाल प्रक्रिया यही चलेगी। प्रश्न का मॉडल कैसा हो सकता है, मतलब ये उम्मीद लगाई जा रही कि प्रश्न का जो मॉडल होगा वो कैसा होगा, तो जो प्रश्न होंगे वो MCQ मेथड पर ही होंगे, मतलब ये सवाल है कि क्या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है जो भर्ती परीक्षा कराएगी, क्या वो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होती है, ऑब्जेक्टिव होने जा रही है। पांचवा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, भर्ती की प्रक्रिया क्या पहले की तरह होगी, भर्ती प्रक्रिया, ये कुछ ऐसे अहम सवाल है जो आप सभी के जहन में है और आप सभी के मन में थे। तो भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एनसीईआरटी पर फोकस होगा, याद रखें एनसीईआरटी पर फोकस होगा। हाल फिलहाल में जो भी परीक्षाएं हो रही आपने एकदम स्पष्ट रूप से देख लिया होगा, इन सभी में एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है उसका फोकस हो रहा है। एनसीईआरटी किताबें पढ़ लीजिए, अगर आपके पास नहीं समय है कि एनसीईआरटी पढ़ने का, एनसीईआरटी के नोट्स इलानी विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, एनसीईआरटी के सभी कंप्लीट नोट्स, ठीक है, एनसीईआरटी के नोट्स कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में पेपर का स्टैंडर्ड कितना बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि प्रश्न पूछने का जो तरीका है कठिनाई स्तर बढ़ रही है तो एनसीईआरटी के प्रश्न के इतना घुमाकर पूछ लिया जाता है कि लगता नहीं यार कहाँ का प्रश्न है, ये कहाँ से आ गया, और अपने बिहार को भी देख लिया हाल फिलहाल में, तो ये चीजें आपके सामने भी फेस करने के लिए मिल सकती है। कठिनाई आपको गणित में होगी, गणित के लिए भी सोल्यूशन क्या है, कौन सी किताबें पढ़िए, क्योंकि अब समय के साथ साथ अब
खुद पर बिलीव करना होगा। और एलएनई पे दुर्गेश के नोट्स अगर आप चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब चाहते हैं कि सुपर टेट और यूपी टेट की समान क्लासेस एक साथ आप तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, एक बार आप देख लीजिएगा। और एक और नंबर, उस पर आप अपना नाम, ये इस नंबर पर नाम और अपना जिला लिखकर भेज दीजिएगा, तो सभी जितनी भी क्लासेज हैं उन क्लासेज में आप जुड़ पाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको सभी की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सुपर टेट की डेली क्लासेस हम लेकर आएं, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहिएगा, जहाँ पे मेरी निःशुल्क क्लासेज आप सभी को सतत रूप से मिलती रहेंगी। आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि जो यूपी टेट नहीं पास है साथ में सुपर टेट की तैयारी करें। कुछ लोग का ये मानना है क्या टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, देखिए कुछ लोग का ये भी मानना है कि क्या टेट का 1/4 अंक जुड़ेगा, मैं उस पर भी आपका ध्यान, एक मिनट मैं प्रयास करूंगा कि आप, एक मिनट रुकिएगा आप सभी लोग। चलिए देखिए, अब हम इस पर ठीक, अब आइए हम लोग देख लेते हैं टेट के 1/4। अब यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि क्या टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे। टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, सवाल मन में आ रहा है, जहन में आ रहा है क्या सर यूपी टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, तो जान लीजिएगा ऐसा नहीं है, आपके टेट के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, ये अंतिम मेरिट में किसी प्रकार से न प्रभावित करेंगे न प्रभावित होंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं कि जो सारे सवाल आपके मन में आने वाले थे, जो आपके जेहन में आने वाले थे, वो उसका जवाब आपको मिल गया। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, सेल्फ स्टडी करनी है, कोशिश करिएगा अपने आप से स्टडी करने के लिए, आप अपना खुद का नोट्स बनाइए या आपके आसपास कोई मित्र ने आपका नोट्स बनाया हो, क्योंकि नोट्स क्या होता है आपको कम समय में बेहतर तैयारी करा सकता है। अभी आपके पास समय, अपनी तैयारी को थोड़ा सा और गति दे दीजिएगा, और नहीं तो लर्निंग विद दुर्गेश पर नोट्स उपलब्ध है। कोशिश करिएगा किसी क्लासेज लेने से बचिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको कोई भी किसी की दुनिया कोई ताकत नहीं घोर के आपको पिला दे। किताबों की तरफ लौटिए, अपने नोट्स की तरफ लौटिए, और खुद पर विश्वास रखिए। जो लगातार पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो भर्ती आने के बाद पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, जो भर्ती आने के बाद पढ़ेंगे, विज्ञापन आने के बाद पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन ना के बराबर होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन तय है। आप निरंतरता रखिएगा, अपना बेस्ट और बेहतर दीजिएगा, यकीन मानिए आने वाला कल आने वाला समय आपका होगा। मेरी ये सुझाव है आपको, अगर आपकी इच्छा पड़ी, आपकी इच्छा नौ मत पड़ेगा, लेकिन नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा योग्यता को पहले स्थान पर रखते हैं, उनके लिए योग्यता सबसे परम है, किसके लिए, इस उत्तर प्रदेश के बेसिक के नौनिहालों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो करिएगा, फिर इसको अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आपके लिए नई क्लासेस कौन सी पढ़ना चाहते हैं वीडियो में कमेंट करेगा, हम आपके लिए उस सेशन की सीरीज, उस सेशन की वीडियो डे बाय डे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो के लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू। शेयर करते रहिएगा सभी को, कोई सवाल हो वीडियो में कमेंट करिएगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी, आपको क्या लगता है कि आप इस बार सुपर टेट में नौकरी पा लेंगे, इसके लिए आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितनी मेहनत की है। थैंक यू, बाय बाय।